हेलो दोस्तों, यहाँ ये मेरे सामने खड़ी है, मैं कैसे बोलूं? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग शादी में जाने वाले हैं। मोस्टली सबने हिंदू की शादी तो देख ही रखी होती है, पर आज हम क्रिश्चियन वेडिंग में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं आप सबको दिखाऊं कि क्रिश्चियन वेडिंग कैसे होती है। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे खुद को भी इंजॉय करना है, पर हाँ, जो मेन है छोटे छोटे क्लिप मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ तो मैं नहाने जाती हूँ, फिर मेकअप शेकअप के बाद मैं मिलती हूँ। बाय। मैंने ड्रेस पहन लिया है और मैं मिलती हूँ, मतलब मेकअप शेकअप के बाद, है ना। हम रेडी हो चुके हैं, बारात जा रही है हमारे साथ, हम ही बाराती लग रहे हैं। ये री बारात है हमारी। हमारे पास वाहन नहीं था जाने के लिए, तो हम ऑटो में जा रहे हैं। मम्मी बच्चा पार्टी। कर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार, तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। तूने हमें चुनकर मीत बना दिया, विश्वास में मिलजुल कर जीना सिखा दिया। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आचार्य आप सभी को प्राप्त हो। प्रेयर आशीष जॉन और रेचल, यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितों की ओर से, मेरी ओर से और आपके माता पिता सगे संबंधियों की ओर से, हम आपका प्रभु की वेदी के सामने हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है, समारोह का दिन है। प्यार से बनाया है और प्यार के लिए बनाया है। वर वधू को वो यही कहता है, मैंने तुमको प्यार से बनाया, प्यार के लिए बनाया। जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है, प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसे प्रेम पर भरोसा रखता है। अनुवाक्य पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे प्रभु का सुसमाचार एक रिस तेरी स्तुति हो।
चला भी जाऊंगा। मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सुनती नहीं है ना तू? क्या सुन रही हूँ बताओ? अपनी अपनी सलाह बोलो। अरे बताओ ब्यूटीफुल। तेरा पल्लू सरका जाए रे फिर बस तो हो जाए। ओ हाँ दीदी प्यास लगी आई? अरे हाँ पानी नहीं मिल रहा यार। पानी क्यों नहीं मिल रहा? ठंडा है। ठंडा ठंडा व्हाट? ओ भाई ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये क्यों गाउन? चलो ये आंटी क्या कर रहे देखना। ओहो ये आंटी ये पूछ रही है इसलिए प्यार दिखा रही है। वो वाला प्यार नहीं है अपना काम बनाने के लिए। कोमल दी गलत बात, तुमने आंटी की साड़ी गंदी कर दी। हाँ आप भी जाइए जल्दी। सुंदर सच्ची बहुत ज्यादा बहुत सच्ची। हैं ये भैया पूछ ले। भैया कादराबाद कादराबाद से आयो? ये भैया कादराबाद से है। ये पहचान गई आप? बोलिए इन भैया को मैंने कहीं देखा है। भैया ब्लॉग में भी आ जाओगे अब हमारे। सुबह पेश भी कर रहा था दीदी। फोटो अच्छी आई है आपकी। वो आपको बोल रहे थे भैया? मुझे नहीं बोल रहे थे। तुम्हें ही बोल रहे थे? तुम ही तो लग रहे हो सुंदर से आज। जल्दी जल्दी तुम्हारी भी होगी आंटी। अब दीदी की भी होने वाली है जल्दी। सब आ जाना। बुलाओगे दीदी अपने सब्सक्राइबर को? हो जाए पहले तब ना। हो जाए पहले तब से क्या मतलब है? पानी का ठंडा ठंडा बिल्कुल। लेट लेट आई है। शादी वादी सब हो गई है। लेट आई है। अब हम मंडप में जा रहे हैं। शादी तो निपट गई अब काहे के लिए आई है? ये सोने का हार पहनने में ही तुझे लेट हो गया। ये तो ये पहले घूम रही थी। एलिजा एलिजा अब चर्च में शादी हो चुकी है। अब हम मंडप में जा रहे हैं है ना एलिजा? और एलिजा आराम फरमा कर जा रही है। देखो कैसे लेटी सबकी गोदी में। ये भी क्रिश्चियन ही है इसकी मम्मी भी। अब वहाँ पर यहाँ पर शादी हो चुकी है। वहाँ पर केक कटेगा। और मम्मी क्या होगा? केक कटेगा सब में बटेगा and I request Father Yochin to kindly come and pray for the cake. शुक्रगुजार हैं प्रभु कि तूने रेचल को और आशीष को प्रभु आज एक साथ जोड़ा है प्रभु। और जब ये पिता परमेश्वर आपकी पाक उपस्थिति में एक दूसरे के साथ पाक
प्रॉमिसेस के द्वारा, रिंग एक्सचेंज के द्वारा प्रभु, जब ये शादी के पाक बंधन में बंध गए हैं प्रभु और एक साथ ये पहला काम करने जा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ फर्स्ट डे से प्रभु इनके हर काम में प्रभु आप इनके साथ रहना, यूनिटी देना प्रभु, अंडरस्टैंडिंग देना प्रभु, प्यार देना पिता परमेश्वर प्रभु, और आज जब ये पहला काम एक साथ करने जा रहे हैं प्रभु इनको ब्लेस करें पिता परमेश्वर प्रभु, और इनकी लाइफ को ब्लेस करें प्रभु, हम सब लोग तेरे नाम से प्रभु इनको ब्लेस करते हैं प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम इनको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हमारे में ऐसा होता है बूढ़े होता है ना वो फेंकते हैं लड़की के ऊपर तो उसी की शादी होती है, तो जिसने पकड़ लिया उसकी शादी। कमल दीदी पकड़ना है पक्का, शादी करनी है। शादी करवाने का मौका छोड़ना नहीं है मौका। लड़कों को बोलो पीछे पीछे लड़के वेट करें, जिसकी बारी आएगी उसी के साथ होगा फिर। कमल दीदी छोड़, सारी कुंवारी लड़कियां आगे आ जाएं, हमारी ब्राइड बुके फेंकेंगी और जिसके हाथ में आएगा उसकी शादी हो जाएगी। दीदी क्यों आएगी? डिस्कशन चल रहा है लड़कियों का बहुत जबरदस्त, मैं पकड़ूंगी पकड़ना है। कोई रह तो नहीं गया, जितनी कुंवारी लड़कियां हैं सब आ जाओ। नहीं ऐसे दीदी ऐसे रहना। रेचल आ रही है रेडी? कुंवर दीदी थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा सा खेल लिया, शादी करनी है इस साल जाना है, कटना जरूर है। रेडी 1 2 3 4 फेंको, ये क्या था मजाक? चलो फाइनल ओके 1 2 3 4 ये तो मजाक हो। ये ओके यार तुम लोगों में कोई साइड पे नहीं है, कम ऑन यार, सब लड़के और जवान है तो शादी तो होनी है ना, आज भी तो कल कम ऑन 1 2 3 यार इनको मत कर साइड में 1 2 3 गो। बहुत डांस करा हमने, अब हम खाना खा रहे हैं। बड़ी तेज़। मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका है बिल्कुल ही, अब यहीं पर व्लॉग एंडिंग कर रहे हैं, घर चले जाएंगे खाना खाकर। अब बाय बाय गाइस, बताना व्लॉग कैसा है, मतलब शादी थोड़ी इनकम्प्लीट ही शूट करी है मैंने, हाँ डांस से फुर्सत नहीं थी ना मुझे इसलिए। जाओ जाओ जाओ, बाय गाइस, लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं करा। बहुत सारी मतलब चीज़ें रह गई हैं शादी में जो कि मैंने शूट नहीं करी है, स्टेज पे जयमाला भी होती है और लड़की मतलब वाइट गाउन के बाद रेड गाउन मतलब रेड जोड़े में भी आती है, वो भी मैंने शूट नहीं करा है क्योंकि मैं डांस में बहुत व्यस्त थी।
और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जो मैंने शूट नहीं करी है, तो वो आप मेरी शादी में देखना। बाय।